नमस्ते 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 वी वांट नमस्ते we want नमस्ते कैसे लॉन्ग लीव डीएस यू लॉन्ग लीव कैसा लॉन्ग लीव का जो संवैधानिक डिमांड है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ बैठक बुलाना चाहिए, क्योंकि 40 सालों से कई सेक्रीफाइस कर चुके हैं, 40 सालों से कई आंदोलन हो चुका है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक ये नहीं बोला है कि आर्टिकल 244A दिमाहसाओं और कार्यालयों को इंप्लीमेंट करना है, ये नहीं बोला है। जो मौजूदा सरकार है, जो कार्यालयों और दिमाहसाओं में अपनी चुनावी प्रचार में बार बार बोला गया है एलके अडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह तक की दिमाहसाओं और कार्यालयों का जो संवैधानिक डिमांड है आर्टिकल 244A, जब दिल्ली में बीजेपी सरकार बन जाएगा तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक मीटिंग रखेगा बोला है, मगर आज तक वेयर इज द प्रॉमिस मेड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, सोचना चाहिए। आई एम नॉट ब्लेमिंग द प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट ब्लेमिंग द रूलिंग पार्टी, बट ये हम लोग का संवैधानिक डिमांड है, ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को आप छीनने की कोशिश मत कीजिए। और जब तक आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट नहीं करेगा केंद्र सरकार, तब तक दिमाशा और कार्यालय के लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेगा, हर साल दिल्ली पे आके हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेगा, क्योंकि ये कार्यालय और दिमाशाओं का एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो परमानेंट सॉल्यूशन आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करने से ही परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। कार्यालय और दिमाशाओं में 3-4 बार एकॉर्ड साइन हो चुका है, मगर आज तक CSA, कंसर्सिकॉम, दिमाशा स्टूडेंट यूनियन और जो आज इस मंच पे कई ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए, उन लोगों का एक ही मांग है आर्टिकल 244A। एकॉर्ड 3-4 बार साइन हो चुका है, मगर हम लोग का जो डिमांड है आर्टिकल 244A, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू इंप्लीमेंट द डिमांड ऑफ आर्टिकल 244A? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क आस्किंग द गवर्नमेंट। सरकार को भी समझना चाहिए, एक जाति एक कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए एक जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को आप इंप्लीमेंट करने के लिए आप विचार विमर्श कीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। विमान को कार्बी एसोसिएशन मिस्टर विमान को मिस्टर बोसवा दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, सो प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव अवार्ड कार्बी जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली ऑन 8 August 2022 टू इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट बिल इन पार्लियामेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 244A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसर्टेड into the Mortgage Against Reorganization Act in 1971 by the Constitution 22nd Amendment Act 1971 with effect from 21st January 1973. It is solely for the creation of autonomous state within the state of Assam comprising Karbialong and North Carolina the federal government has initiated the process for full implementation of the provision of Article 244A
of the Indian Convention by holding two rounds of military level talks with Confederation Chair BSU on 26 December 1988 and 23 July 1989, and another two rounds of secretary level talks with Confederation Chair BMC on 23 April 2021. And 24 September 2002. But the third article is yet to be implemented. The Honorable Local MP Mr. Dhiren Singh has introduced a private member bill on 8 August 2016 under the name of the Assam Reorganization Karbi Dimarsan Bill 2016 and number 146 of 2016. So we demand it. So first, the Hukum Portfolio of Indian Constitution Implementation Bill in the late 20th Summer Parliament 2022. No passing of the Hukum Portfolio of Indian Constitution Implementation Bill, no vote until divine guidance. Please come on the stage and receive our Kabi Tradition Poho. Mr. Rahesh Killing, Mr. Rahesh Killing, President Karbi Army Employees Association. Next, I request Mr. Pramit Singh Jung, General Secretary, Dimarsa Student Union. So please come on the stage and receive our Karbi Traditional Poho. Please, sir, what's your team? Now, and our demand is totally constitutional and is our constitutional rights and is our genuine demand. So we have not had happy. We must have it. Until and unless this meeting article is implemented, we cannot stop our movement. Our movement will be a democratic non-violent process. So I also ask you now, Mr. Staff and other organizations have participated with us, so we shall welcome them and we shall give the chance to deliver their valuable speech. And so, with this strong speech, I presented this our Dhamma program. So thank you very much, staff. Various organization has already signed it. And along with our MP Horan Singh Bhe, our MP Horan Singh Bhe, this is a signature of Horan Singh Bhe from our MP. He also support along with Nomon Mobi. This is Nomon Mobi, signature of Nomon Mobi, MLA from Wazan Constituency. After that, Nomida Golosa, this is the signature of Nomida Golosa, MLA from Dimarsa Dhanwas County, and Mr. Dor Singh from Hang, MLA from Dikhu Constituency, Hara Constituency, Mr. Vida Singh England, this is a signature of Vida Singh England, MLA from Dikhu Constituency. And this is the signature of Rup Singh Charan, MLA from West Wetland, so MLA Constituency. And along with Dr. Kaviram Ramhan, Chief Deputy Member of Karjanwa Dhanwas Council, and what do you want?
and the last but the next assembly from Dimasao Autonomous Council Chief member. So in this memorandum, various organization, Karbi Anglong Dimasao Autonomous Demand Committee, Karbi Student Association, Karbi Salwa Amai, Karbi Salwa Amai, Karbi Anek Dujit Association, Karbi Adorba, Lal Tiwa Adorba, and political party are already given a signature. So today, after the meeting, we will submit memorandum, one for Prime Minister and one for Home Minister. And today is being replicated, already 144 is imposed, but we should not afraid because we are fight through democratic, we are fight non-violent, and we are not against the constitution. We are demand according to the constitution, according to the constitution that we